नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पिछले दिनों मीडिया में एक हफ्ते तक खबर चली कि मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस को झटका नहीं सदमा देने वाली है, और फिर शुरू हुआ सूत्रों के हवाले से खबर और चलने लगी खबर कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इस दिन करेंगे, इस समय करेंगे, लेकिन अभी तक कमलनाथ बीजेपी के पाले में नहीं आए। अब उसी कमलनाथ के लिए बीजेपी के बड़े नेता ने बड़ी बात कही है, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा था कि नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के साथ आधा दर्जन विधायक भी शामिल होंगे, लेकिन मीडिया सूत्र फुस हो गया और आज 24 तारीख हो गए हैं और अभी तक कमलनाथ का अता पता नहीं है। ऐसे में कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश के सीनियर नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी बात कही है और कहा है कि बीजेपी में कमलनाथ के लिए जगह नहीं है। पिछले हफ्ते जब कमलनाथ और नकुलनाथ एक साथ दिल्ली पहुंचे तो तहलका मच गया था और कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरों को नकारा। फिर मामला शांत हो गया, लेकिन लग रहा था कि कमलनाथ बीजेपी के हो ही जाएंगे, लेकिन शामिल का इंतजार खत्म हुआ और मामला साफ हो गया कि बीजेपी में कमलनाथ शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब लग रहा था कि शामिल हो जाएंगे तब कांग्रेस काफी एक्टिव थी और सभी मनाने में लगे थे और अंत में पता चला कि कमलनाथ नहीं जाएंगे। जानकारी देते चले कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोरोना के समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार गिर गई। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन फिर जब 2023 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस बीजेपी को घेरती रही और लग रहा था कि इस बार जनता बीजेपी को हरा देगी। लेकिन जब 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट से कमलनाथ का सपना धराशाही हो गया, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में पांचवी बार सरकार बनाने में सफल रही। अब एक और कटु सत्य बता दें कि इस समय कमलनाथ अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री बनने का दूर दूर तक सपना नहीं है। तो ऐसे में अपने बेटे को सिट करने के लिए बीजेपी में जुगाड़ लगा रहे थे, लेकिन मामला सिट नहीं हो पाया और आखिरकार कमलनाथ जहां थे वहीं रह गए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये कमलनाथ के लिए धक्का है, क्योंकि जो विश्वास बना था वो धागा अब टूट गया है। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्या होता है और इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ता है।